मम्मी, मम्मी हमें घर से बाहर निकाल, हमें थोड़ी इसको थोड़ी निकाल है? जरा मम्मी को बता दे कि क्या होगा है, क्या करेंगे। इतना शिबिया भी ना आगे लेडी और योर बब्जी ने घर का पूरा फर्नीचर खा पी रखा था। तजुर इसने अभी तक कोई भी सिवाय एक दीवार के जे जेजू देखो ढूंढ रही है, देखो ढूंढ रही है राहुल, देखा ढूंढ रही है जे को, जे ऊपर नहीं आना, ऊपर नहीं आना, ऊपर नहीं आना, तो समझ गए ऊपर नहीं आना। बोल तुझे क्यों हुआ, एकदम फ्रेम के अंदर आ गया तू है। ओला से ओए हो, गुस्सा करके ओला को बिठा दिया है जबरदस्ती, देख प्यार से कोई चल रही है ना घर में, चाहिए बेटे को। मैंने नहीं कुछ किया, ये खुद ही आ रही बीच में। पापा एमी मेरे पे भौंकने लग गया, इसके पैर पे ना लेडी वाली ने पैर रख दिया, इसके सीरियसली ना ज्यादा ही दर्द है मुझे लगता है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पे देखो आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, अंधेरा हो रहा है, बट ये है सुबह का नज़ारा। जे तो है नहीं, जे नानी के साथ चला गया था, और यहाँ पे राहुल और शिवाय कर रहे हैं सुबह की शुरुआत। अभी भी वहाँ से आ रही है, मन कर रहा है और सोचो, पर मुझे उठाने वाली कौन है, कैस करो मैं कैसे उठी। जोई इस औरत ने भौंक भौंक के भौंक और अकेली भौंक रही, ऊपर से बब्जी और लेडी और भी कह रहे पागल है इसको भौंकने दो, अकेली लगी हुई है, पता नहीं इसके मुंह में एम्पलीफायर लगा हुआ है राहुल या लाउड स्पीकर लगा हुआ है, अकेली भाव 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 करती रहती है। जो इसने 7 बजे से लेकर 8 बजे तक भाव भाव करी है ना, मेरा इसने सर चकरा दिया, तो इतनी अच्छी नींद है ना पूरी रात, सब बर्बाद। पर तू सो चुकी थी मम्मी, काफी अच्छी नींद ली यार, वो बात ठीक है, लेकिन ये भी कोई तरीका तो नहीं है उठने का। तो अभी मेरे पास आ गया मेरा लड्डू, आजा हगी कर मम्मा को, मम्मी भी नहीं चाहिए भाई साहब, इसको पता क्या चाहिए, यहाँ पे ना ठंडी ठंडी कॉफी लाके मैंने रखी है फ्रिज में से अपनी, तो ये उसको ताड़ रहा है। क्या चाहिए मेरे गोलू को, बाल तो कटा लिए शिवाय तूने, सुंदर लग रहा है मेरा लड्डू, दिखा बाल कटा के आया था मेरा गोला छोटा सा, हाय मेरा शोरना, बस बोलना स्टार्ट कर दे, बोलना स्टार्ट कर दे, बस इस तरह सुंदर बच्चा नहीं पूरी दुनिया में कोई, मेरा गोल लेके है मेरा गोला है। आ गई है तू, आ गई है, सोने दिया तूने हमें है, तूने सोने दिया, मेरी चद्दर क्यों खींच रही है, ठंड लग रही है मेरे को है, क्यों खींच रही है चद्दर है, क्यों खींच रही है चद्दर। तो जोई ने उठाया सुबह सुबह आज ना भौंकी इतना, देखो अब चढ़ने की कोशिश कर रही है, बेटा अभी भी चढ़ाऊंगी, मैंने उसी दिन बेडशीट तेरे को लग रहा है, जोई थोड़ी सी लंबी हुई है, लंबी जोई तो मुझे लगता है बब्जी का भी बाप बनी, हाँ जिसकी हाइट बहुत अच्छी निकलेगी, इसके फादर मदर की तूने वो देखी है, ये देखो ये 5 महीने की है अभी, और ना बेड के ऊपर इतना आने लग गई है ना, और कोट कितना प्यारा निकल रहा है, पूरी है, हाँ बुला जा एक बार देख, बुला ये देखो बस इन्हीं के बाप का राज है, आगे ना लेट गई है ऊपर अच्छे तरीके से है, कान देखो इसकी कैसे, क्या कर रही है, अपने आप को काट रही है, काट नहीं रही है, ये देखो इसका कोट ना बहुत प्यारा हो गया, तो वाइट हो गया है, नहीं अच्छा लग रहा मुझे तो, बहुत सुंदर, इतना सॉफ्ट हो गया ना, है ना मेरा बच्चा, अच्छा वाइट हो गया, क्यों इसको पिंक पिंक कलर करा ले जो तुझे कराना, पर अभी नहीं, इसको ना अभी 3-4 महीने और होने दे। जोई बाल कितने सॉफ्ट है यार, इंसानों के भी नहीं होते ऐसे, बहुत सॉफ्ट हो भी मैं रोज, काम तो खड़ा कर लेगा अपना, इसकी मर्जी, इसकी मर्जी, ए नाउ लंबी नाक वाली, नाउ लंबी नाक वाली है, ए जो ओए चलो तर, ओए ये देखना, ओहो ना लड़की मेरे को, राहुल मैं कितनी एंटी डॉग होती हूं, मेरे को वो बता दे कि हर वक्त मैं डॉग्स के साथ ही रहती हूँ। जोई नीचे उतर, चलो कम जा, आजा मेरे पास, आजा आजा, ऐसे क्यों घूर रही है, जा आजा चल जा, आजा कम, इतना शिबिया भी ना आगे, शिबिया भी पंगे ले रहा है उससे, शिबिया तू क्यों पंगे ले रहा है जोई से, इसको भी मजा आने लग गया, हाँ इसको मजा आने लग गया, वो देख आके देखते थे क्या कर रही है, इतनी सी बची थी, अब एक तो स्लो इतनी पीता है, जे की तरह थोड़ी है, जे तो मोटे मोटे घुट मारता है जैसे पैग मार रहा, ओए कम चल आओ आजा
चल मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, चल जा बाहर जा उधर। उसको लग रहा है कि कॉल और बब्बे के पास जाना है। छोड़ गई ना, छड़वा लिया यार छत्तर। छड़वाओगे क्या, धुलेगी। चल चल चले थोड़ी देर उधर बैठते हैं। उधर सुबह सुबह का रेंट हमारा फिर से स्टार्ट हो गया यहाँ पे। राहुल बेचारा नो 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 ही करता जा रहा है और ये लड़की आवाज नहीं आ रही। इसकी फुल ग्रोथ कितने टाइम में आएगी राहुल, जब भी प्रॉपर बड़ा हो जाएगा कि उसके बाद ये और बढ़ेगा? नहीं ऐसा तो है, बढ़ेगा 2 साल तक तो बढ़ेगा। दो साल बट, तक बच्चा बढ़ता है। बट ये है कि जो हाइट है वो खिंचनी है ना, वो मेरे ख्याल से 1 साल 2 महीने तक खिंच जाएगी, 14 महीने तक। तो मतलब न्यू ईयर तक हम इसको और बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये फुल ग्रोन, मतलब तू ये लगा कि ये 2 सीटें ले लीजिए पूरी। और अभी इसको आदत तो पड़ चुकी है सोफों पर चढ़ने की, तो ये उतरने की तो है नहीं। छोड़ती पूरी शक्ल है और फीचर पूरे निकले हुए हैं। ये देखो इसके बहुत खुजली है दांतों में। नो No? No? ना मुझे एक बात की खुशी है, एज अगेंस्ट लेडी ओली एंड बब्जी। नो है राहुल, इफ यू रिमेम्बर लेडी ओली और बब्जी ने घर का पूरा फर्नीचर खा पी रखा था। टचवुड इसने अभी तक कोई भी सिवाय एक दीवार के इसने और कहीं पे भी किसी भी फर्नीचर पे अटैक कभी भी नहीं किया। नो नो लग रही है पापा को। नो 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 जे जेजू देखो ढूंढ रही है, देखो ढूंढ रही है राहुल, देखा ढूंढ रही है जेको। गिर जाएगी नीचे सोफे के। चल नीचे उतर, चल अब बेटा नीचे उतर, भाई ने खाना खाना है, चलो खेलो जाके। ये देखो इधर आ जा, देख लिया बस बोश बोश, इधर आ जा बोल दो, बस पागल हो जाती है सारा दिन ना राहुल। एसी चल रहा ना गाइस, ये वाला या ये वाला एसी चल रहा ना, ये लड़की इसने ये जगह पकड़ी हुई है राहुल, जहाँ तुम बैठे हो ना इसके नीचे यही बैठी रहती है, इतना शौक है इसको एसी का। Hey, no, 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 no. मैंने बुलाया है ये मेरे को भाई को खाना खिलाना है टिट्टी को। अरे राहुल मेरा हाथ ऐसे तो इसने ऐसे पकड़ के ग्रैब कर लिया। इधर आ जा। क्या 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 इसका दिमाग दिमाग जोई का ना ओला से थोड़ा ज्यादा ही क्रैक है, इतनी क्रैक तो ओला भी नहीं थी। थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। नो नो ये ओवर एक्साइटेड सोल है। एक्साइटमेंट सारे जर्मन शेपर्ड है, तुम्हारे पास जो माइकल था वो भी ओवर एक्साइटेड रहता था। यार तो मैं बहुत छोटा था, मैं 3 साल का था, मुझे अक्ल थी उस टाइम, मुझे याद रहेगा वो 3 साल। और तुम पूरा पता है माइकल का, तो 3 साल के बच्चे को तो इतना भी याद नहीं होना चाहिए कायदे से। कोई फोटो नहीं पड़ी तुम्हारे पास माइकल? मेरे पास 3 साल की अपनी कोई फोटो। तुम्हारे पास डॉर्जी की कोई पड़ी है फोटोज? हाँ बब्जी की, डॉर्जी की पड़ी। कभी होना फुर्सत तो दिखाना, हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस जो डॉर्जी था ना वो राहुल का पेट था, लैब्राडोर गोल्डन रिट्रीवर दोनों था ना, लैब्राडोर था बेसिकली। और जब हमारी शादी हुई थी तो वो था, मतलब पहला पेट जो मैंने देखा राहुल के घर में जो राहुल के साथ वो था डॉर्जी, उसको प्यार से गोल्ला भी बुलाते थे। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हमारी ना स्पीच में गोल्ला वर्ड बहुत ज्यादा आता है कई बार, और राहुल गब्जी को कई बार डॉर्जी से भी कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ना वो राहुल के साथ 13 साल रहा है, 13 साल रहा है और बहुत ही प्यारा, मतलब वो तो राहुल का राज दुलारा था, और ये लोग उसको ना घर का सारा खाना खिला देते थे, वो कड़ी चावल तक खाता था खुश होके। गाइस सुबह के बज गए हैं 9 और सफाइयां शुरू है, मन्नी लगी हुई अंदर अपना डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि मन्नी की इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं और वो यहाँ से लेती है, कभी कभी ऑफिस ही बैठती है, बट देखो सुबह सुबह अपनी सफाइयों के लिए लग गई है। मेरा सामान बाहर निकाल के रख दिया इसने, ये देखो ये सफाइयां कर रही है यहाँ पे खुद ही, जब इसे गुस्सा चढ़ा होता ना ये खुद ही अपना सारा काम करने लग जाती है, किसी को कुछ नहीं कहती। देखो अब आ गई ना गुस्सा करके, ये देखो हमें तो गुस्सा करके देखेगी कंदी शक्ल बना के, क्योंकि इसने शायद मेरी बात सुन ली है। क्या हुआ? क्यों तुम्हें तमीज से बात करती? ठीक है कितना भी कर लू ना मैं तुम्हारे लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए, तुमको कोई कदर नहीं है। ठीक है तुमने तो एंड ऑफ द डे यही बकवास कर देनी होती है ना कि तुम करती क्या हो सारा दिन बैठ के। ठीक है देखा मैंने आपको बोला था ना, ये देखा ठीक है सड़ी पड़ी है, जब उसकी निकाल रही है कोई फायदा नहीं है इसका, इसने कोई बैठना नहीं है यहाँ पे, 5 मिनट भी नहीं बैठेगी ये, मुंह बना के बैठेगी इसने 5 मिनट भी काम नहीं करना आज यहाँ पे। ये लो आज ये तो कोई आ गए दोनों। ओए हाँ भाई सुबह सुबह, हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है तुम्हारे, है क्या हाल है तुम्हारे, रोई देख लिया, चलो 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 ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल पीपल चलो चलो यहाँ से,
यहाँ शिवाय बैठा हुआ है, बैठ जाए इधर ही, ओ एक्साइटेड सोल, किचन में नहीं बाहर आ जा, मैं तो इधर, चल बाहर। ब्यूटीफुल पीपल कम ऑन, मम्मी मम्मी सफाइयां कर रही हैं, मम्मी परेशान है, ये देखो मम्मी, मम्मी देख लो परेशान है, मम्मी मम्मी का मम्मी मम्मी तब तक लोगों को लगता है ये आप तो है। किस किन लोगों को लग रहा है कि मन्नी का फेस साफ हो गया, साफ हो गया, सारे दाने हो रहे क्योंकि तुम कदम दिखाइयो, 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 चल यार, देखा 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 बब्जी, ये देखो बहुत बढ़िया, चल बाहर, गुस्सा कर रही है मम्मी से डर के, एक और मम्मी भाग गई, या शिबी अपना आराम से चिल मोड के अंदर बैठा हुआ है, वो एक काम करने दो इधर, समझ रहे हो तुम, तो जोई ने अपना खाना खा लिया, तुमने नहीं खाया ना अभी अपना खाना, इधर देखो अपना फेस, इधर आ बब्बे, तो इसकी आंखें ना, इधर देखो ऊपर नहीं आना, ऊपर नहीं आना, ऊपर नहीं आना, तो समझ रही है, ऊपर नहीं आना, अभी चलते हैं थोड़ी देर में, रुक जाओ दो मिनट, आ जाओ इधर आ जाओ, चल शिबिया ऊपर हो जाए, तेरे को मैंने वो दिया है लिखने के लिए, शिबिया आराम से बैठ, ऊपर हो गया, ये लो ये लो, ये किसका चश्मा है, ट्राई कर लेंगे, तो मन्नी का एक चश्मा और टूट गया, मन्नी के दो दिन में दो चश्मे टूट गए हैं, मेरा एक टूट गया, मेरा तो लेडी ऑली ने छुपाया था, तो मैंने गलती से, शिबिया मत कर बेटा मत कर, अपना सामान देखो कहां, भाई ये मेरा भी कमरा है, समझ आ गई, तेरा नहीं है, अच्छा आधा ले चल, आधा आधा ले आधा, चल 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 चल, किस किस को मजा आता है अपनी बीबी को चहकाने में, सामान रखने की जरूरत नहीं है, और ये सामान में जबरदस्ती ला के रखा है मैंने, पर मजा आता है, चेकआउट मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, सुबह सुबह ही लड़ाई हो गई है और मुझे बड़ा फन आ रहा है क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है और अंदर मैं रोमांटिक हुआ हुआ हूँ। तुझे क्या हुआ है, एकदम फ्रेम के अंदर आ गया तू, है लेडी वाली आउट, एक जगह नहीं बैठ सकते, सफाई रखी, तुम्हें क्या है, कहां घुस रही है, गुस्सा सिट, कोई बात नहीं सुनी, ओला सिट, ओए गुस्सा करके ओला को बिठा दिया है जबरदस्ती, देख प्यार से कोई सफाई चल रही है ना घर में, प्यार से कोई काम नहीं होता, ओए मेरा बच्चा तू तो भोला है, मेरा बच्चा तू आ जा मेरे साथ, तू मेरी तरीके से, बन्नी देखो उसको गुस्सा कर रही है और कर भी नहीं पा रही, खाना नहीं खाया, हाँ जी हेलो, हाँ जी हेलो जी, ओहो ये बीच में आ जाती है, उसके पैर पे पैर रखती फिर उसको गुस्सा आता है, हाँ जी कुछ चाहिए बेटे को, मैंने नहीं कुछ किया, ये खुद ही आ रहे बीच में, बब्बे इधर आ जा तू, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दे, बता दो इसको मैंने कुछ नहीं किया, उधर हट जा तू, तू हट उधर, बब्बा ना मेरे गोदी में ही सही है, बब्बा अभी मेरे पे भौंकने लग गया, इसके पैर पे ना लेडी वाली ने पैर रख दिए थे, इसके सीरियस से ना ज्यादा ही दर्द है मुझे लगता है, खुश राहुल के साथ ही रहता सर, तुम्हारा पैचअप हो गया, लेकिन किससे, बब्जी और तुम्हारा, मैं दो दिन गुस्सा करता हूँ, तीसरे दिन पे मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, क्योंकि एक ही घर में रहना है, चाहे मियां बीबी हो चाहे डॉग्स हो, बंदा नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है, तुम मेरे को कभी भी छोड़ के जा सकते हो, तुम्हें घर ही तो छोड़ना है, मैं तो निकाल दूंगी तुम्हें यहाँ से बाहर दो मिनट, ठीक है, मैं तो बात ही नहीं, पंडित ने कहा था ना शादी के टाइम पे कि जो तुम्हारे पति का है वो तुम्हारा है, तो मेरा है ही नहीं है, किसका किसका है बता दो, ये है मेरे फादर साहब, हाँ तो फादर साहब, तुम तुम्हारे फादर साहब ने कहा था ना बेटी हो तुम मेरी, तो ठीक है बेटी होने का फायदा तो उठाया जाए ना थोड़ा, हाँ तो निकलो, तुम निकलोगे बाहर, मैं नहीं निकलूंगी अपना घर छोड़ के, मम्मी हमें घर से बाहर निकाल, हमें थोड़ी इसको थोड़ी निकाल, जरा मम्मी को बता दे कि क्या होगा, है क्या करेंगी, मम्मी को बोलेंगे मम्मी मम्मी हम घर से नहीं जाएंगे, हम घर से नहीं जाएंगे, सिट
रिलैक्स ना बबसी, तू पापा का क्या है, भाड़े का टट्टू है? हम मम्मी घर से नहीं जाएंगे, ये घर हमारा भी है, समझ आ गई? नहीं तो हम मम्मी को बता देंगे कि मम्मी हम कर सकते हैं तुम्हारे ऊपर। मम्मी है हमारे घर की, मम्मी मम्मी मान गई, मम्मी मान गई। चल चल सीते बस सब।